इसीलिए मैं अपने मीडिया के सभी पत्रकार भाइयों को बोलूँगा, जब भी कोई आपको बोले ना गोदी मीडिया, तो उसे उसी टाइम टोको और उसको बोलो भैया तेरा जो प्रोफेशन है तू अपने प्रोफेशन को देख। आज जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो बहुत जाने माने एक डोगरा पत्रकार हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी स्कूलिंग के बारे में। सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इस पूरे प्लेटफॉर्म का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा और आप सभी को जय हिंद। आपने मेरी स्कूलिंग की बात की तो मेरी स्कूलिंग जो है सबसे पहले शिक्षा निकेतन स्कूल में हुई है, ये जीवन नगर में है। 10th तक यहाँ पर हुई और उसके बाद मैं रणबीर हायर सेकेंडरी में पढ़ा हूँ। रणबीर हायर सेकेंडरी एक बहुत ही पुराना स्कूल है हमारे यहाँ का, परेड में है वो स्कूल। उसके बाद मेरी कॉमर्स कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया है और इग्नू से मैंने जो है पीजी जर्नलिज्म किया था और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने जो है मास्टर्स की हुई है। ओके सर, आप हमें बताएंगे कि आपका जर्नलिज्म में सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? जर्नलिज्म का सफ़र तो बहुत बड़ा है। मेरी शुरुआत आज से 20 साल पहले सिटी केबल एक चैनल हुआ करता था, सिटी केबल से शुरू हुई थी और मैंने शुरुआती दिनों में ऑफिस में काम करना शुरू किया था एज ए ऑफिस बॉय। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कैमरा हैंडल करना सीखा और लगभग 12-13 साल मैंने कैमरा ऑपरेट किया है एज ए कैमरा पर्सन और 4-5 चैनलों में काम कर चुका हूँ। फिर उसके बाद कैमरा के सामने आने का मौका मिला, जो मुझे डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल में मिला था सामने आने का मौका। फिर उसके बाद एज ए पत्रकार सफ़र चलता रहा और लोगों को मेरा काम अच्छा लगने लगा, मेरा जो हर जगह पहुँचने का जो तरीका है और लोगों की बात रखने का जो तरीका है वो लोग पसंद करते हैं। और साथ में मुझे एक डोगरा पत्रकार के नाम से लोग जानते हैं और मेरे को ये नाम लोगों ने ही दिया है। कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है मेरे इस नाम से और वो तो कई बार सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं कि टी शर्ट डालने से, जैसे अभी भी मैंने डाली, टी शर्ट डालने से कोई डोगरा जर्नलिस्ट नहीं होता। तो मैं पहले भी उनको जवाब दे चुका हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से मैं दे दूँगा कि डोगरा जर्नलिस्ट की टी शर्ट खरीदना और बनवाना बड़ा आसान है, उसको डालना बड़ा मुश्किल है। और उसको डालने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो जिगरा चाहिए, वो मेरे में है और मैं चाहूँगा कि हमारे जम्मू के जितने भी पत्रकार हैं वो एकजुट होकर डोगरा पत्रकार बने, वो सभी डोगरा पत्रकार हैं, वो सभी डोगरा जर्नलिस्ट हैं, वो सभी इकट्ठे मिल के जम्मू का नाम रोशन कर सकते हैं। सर आपने आज तक काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपको सबसे बेस्ट इंटरव्यू लगता हो? देखिए, अगर मैं किसी भी इंटरव्यू को बेस्ट इंटरव्यू देखने लग जाऊँ ना, फिर अगले दिन मैं उस तरह से काम नहीं कर पाऊँगा, वरना मैं उसी इंटरव्यू के बारे में सोचता रहूँगा। मेरे रोज़ के इंटरव्यू बेस्ट लगते हैं मुझे। और अपने काम को जब आप पूरे पैशन के साथ करते हैं और अपने काम को लेकर अपने, जब आप घर पे जाते हैं और आईने में अपना चेहरा देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो वो आपके काम को बेस्ट काम बनाता है। जैसे आप अगर अपने चैनल के लिए काम कर रहे हैं और आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन होती है जो मैंने काम किया है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो सभी इंटरव्यू बेस्ट हैं, लेकिन आज तक का सबसे अच्छा मेरी ज़िंदगी का जो एक वीडियो है जो मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ, वो ये, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे बड़ा इंटरव्यू वो था, वो इंटरव्यू नहीं कह सकते, वो मेरी एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर एक इंजेक्शन डबल रेट पर किसी इंसान को बेचा गया था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक दुकान में। और उसके बाद मैंने रिपोर्ट बनाई थी और 5 दुकानें बंद हुई थी इसी वजह से कि वो लोगों को डबल दामों पर इंजेक्शन बेचते हैं। तो मेरे को ये लगा था कि हेल्थ के डिपार्टमेंट में लोगों की जो स्वास्थ्य है उसके लिए मैंने काम किया, गरीब लोग जो डबल रेट में इंजेक्शन ले रहे थे उनके लिए मैंने कुछ काम किया, तो वो मुझे लगता है कि शायद वो एक अच्छा काम था मेरी तरफ से। सर जैसे हर किसी का कोई आइडियल होता है, तो कोई आपका ऐसा जर्नलिस्ट आइडियल? देखिए, काफ़ी सारे पत्रकार हैं और मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, गलतियाँ भी होती हैं, तो सीखने के लिए मैं बड़े सारे पत्रकारों को सुनता हूँ, देशभक्त पत्रकारों को सुनता हूँ जो देश को जोड़ने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ। हाँ, अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो मेरे जम्मू कश्मीर में बड़े सारे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ख़ास करके मेरे जम्मू में जोरावर सिंह जी हैं और हमारे विनोद जी हैं, दिनेश जी हैं और भी बड़े सारे नाम हैं जिनको मैं सुनता हूँ, जिनसे मैं सीखता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ। और अगर हिंदुस्तान की बात करूँ तो
हिंदुस्तान में बड़े सारे पत्रकार हैं जिनको मैं सुनता भी हूँ, जिनमें हमारे गौरव सावंत हैं जो आज तक के अंदर आते हैं, गौरव सावंत इंडिया टुडे में आते हैं, उनको मैं काफ़ी अच्छा सुनता हूँ और वो मैं उनकी पत्रकारिता मुझे बड़ी अच्छी लगती है। शिव अरूर हैं, उनको मैं सुनता हूँ, वो डिफेंस कवर करते हैं तो उनको मैं काफ़ी फॉलो भी करता हूँ। इन पत्रकारों को मैं सुनता हूँ जो पत्रकार देश के अंदर एक अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं। तो क्या हम जान सकते हैं कि आशीष जी की पर्सनल लाइफ कैसी है? पर्सनल लाइफ आपके सामने है, इस समय 10:30 हो रहे हैं और मैं घर नहीं पहुंचा हूं, घर पहुंचते पहुंचते 12:30 बज जाने हैं और ये एक दिन नहीं है, ये रोज़ाना है। और जिन लोगों को लगता है कि हम पत्रकार लोग काम नहीं करते, तो उनको मैं एक मौका दूंगा, वो मेरे साथ एक दिन मेरे साथ सुबह चलें और शाम को घर चलेंगे, और उस बीच में घर नहीं जाना है, मेरे साथ सुबह 8-9 बजे निकलना है, रात के 12 बजे घर जाना है, और फिर उस समय में मेरे साथ काम करना है। फिर उनको पता चलेगा पत्रकार की लाइफ कितनी मुश्किल होती है। हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं है, हमारी कोई फैमिली लाइफ नहीं है। मेरे को याद नहीं है मैं अपने नानी जी के घर लास्ट कब गया था, मेरे को याद नहीं है मैं मासी घर कब गया था, मेरे को याद नहीं है कि मैंने कब शादी को अटेंड की थी। अपने छोटे भाई की शादी थी तो वहाँ पर भी मैं पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाया था। हमारी लाइफ सोसाइटी के लिए होती है, पब्लिक के लिए होती है। मेरे लिए मेरी पब्लिक रात को 10 बजे मुझे बुला रही है, मेरे को वहाँ जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना कि अपने घर पर बैठना, क्योंकि हमने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है पब्लिक को। जब आप किसी को डेडिकेट कर देते हो लाइफ, जब आप पब्लिक के लिए बन जाते हो, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो आपको पब्लिक के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ में घर से डांट ज़रूर पड़ती है रोज़, मम्मी रोज़ बोलती है कि आप टाइम पे घर पे क्यों नहीं आता है, तो सुन लेता हूँ, लेकिन पब्लिक मेरे लिए प्रायोरिटी है। और जो लोगों को लगता है कि मीडिया काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो एक दिन हमारे साथ चल के देखे। आप भी तो इस समय 11 बजे मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कोई करके देखे आपके साथ रात की 11 बजे तक काम, तो उनको पता चलेगा कि मीडिया का काम कितना मुश्किल है। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है मीडिया मीडिया, लेकिन इसके अंदर काम करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं बड़ी बारी कहता हूँ, कई लोग बार बार कहते हैं गोदी मीडिया, कई लोग कहते हैं ये पत्तलकाल हैं, पत्रकार को बोलते हैं पत्तलकाल, ठीक है, और हमारे जर्नलिस्ट भाई ही उसको जो है आगे शेयर करते रहते हैं, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे पत्रकारों को शर्म आनी चाहिए जो पत्रकार को कोई गोदी मीडिया कह रहा है और वही शेयर कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, कोई पत्रकार अगर कोई गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पत्रकार जगत ही गलत हो गया। आप लोगों ने नाम दे दिया गोदी मीडिया, इसका क्या मतलब है गोदी मीडिया का? क्या एक इंजीनियर जब कोई ब्रिज बनाता है, क्या ब्रिज नहीं टूटता? टूटते हैं ना। क्या कभी किसी ने बोला गोदी इंजीनियर? डॉक्टर हैं, डॉक्टर से क्या किसी इंसान की मौत नहीं होती गलती से? क्या किसी ने बोला गोदी डॉक्टर? नहीं बोला ना। क्या कोई भी ऐसा प्रोफेशन, उसके अंदर कोई टीचर है, टीचर से कई बार टीचर बच्चों को मारते हैं, उसके बाद उनके ऊपर FIR लगती है, क्या कभी किसी ने बोला गोदी टीचर? कभी नहीं बोला। इसीलिए मैं अपने मीडिया के सभी पत्रकार भाइयों को बोलूँगा, जब भी कोई आपको बोले ना गोदी मीडिया, तो उसे उसी टाइम टोको और उसको बोलो भैया तेरा जो प्रोफेशन है तू अपने प्रोफेशन को देख, हमारे प्रोफेशन को मत देख। आजकल प्रॉब्लम पता क्या हो गया है, आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कि डॉक्टर अपना काम छोड़ के मीडिया को समझाएगा आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग ही छोड़ देगा, मीडिया को सिखाएगा आपने ये काम करना। भैया अगर तू इतना ही अपने काम में माहिर है और तेरे को मीडिया की नॉलेज, छोड़ इंजीनियरिंग, छोड़ डॉक्टरी, छोड़ पुलिस की नौकरी, आ जा मीडिया में, किसने रोका है?